तो भाई कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सागर और आज हम जा रहे हैं तामिनी घाट, वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस नियर पुणे। तो ये एक ऑफबीट राइड होने वाला है अपने कुछ दोस्तों के साथ, जहां हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कुछ बहुत ही अमेजिंग सुकून देने वाली जगह। तो अब आप बोलोगे ऐसा क्या ही है इस तामिनी घाट में, तो क्यों ना इसका जवाब सफ़र में ही दिया जाए। तो चलो फिर चलते हैं। एंड यस, इफ़ यू आर समवन who loves to travel, who loves nature and love to explore, definitely you are going to enjoy this journey. So stay tuned. हर बार की तरह इस बार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहाँ मैं अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ, अपना GoPro सेटअप करता हूँ और लग जाता हूँ रोड पे। बाय द वे मैंने आपको बताया नहीं, पर इस बार की राइड अपनी नॉट सो स्पोर्ट्स बाइक जुपिटर पे होने वाली है। वो क्या है ना, नाइट फ्यूरी थोड़ी बीमार चल रही है, तो सोचा क्यों ना स्कूटी से घुमा जाए आज। वैसे मौसम काफी सुहाना हो रखा है और फिर क्या, इसमें तो मजा आना ही था। थोड़ी देर चलने के बाद हम पहुंचे आज के सफर के दी मोस्ट इम्पोर्टेंट जगह पे, जो है वड़ा पाव का ठेला। अरे नहीं भाई, दी मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन वीकेंड राइड पे निकले हो और वड़ा पाव नहीं खाया तो फिर क्या ही राइड होगी, है ना। हैशटैग वड़ा पाव लव। पेट पूजा करके जो निकले, तब तक आगे के नज़ारे काफी बदल गए थे। चारों तरफ लश ग्रीन सीनरीज, जैसे हरी शॉल ओढ़े माउंटेन्स पूरे कोहरे से ढके हुए। भाई मन खुश हो गया देख के इतने दिनों के बाद। जाते जाते फर्स्ट लोकेशन आया मुलची लेक, और बिना कुछ सोचे हमने बोला चलते हैं और निकल गए। यही पूरा चालू हो गया घाट। तो अभी बात ये है कि हम लोग रुके मुर्शी डैम नहीं है, लेक के आसपास। और लेक के आसपास रुकने के बाद यहाँ पे ऐसा लग रहा है अभी ड्रोन उड़ा सकते, तो मैं जा रहा हूँ ड्रोन लेने। फिर है सेकंड लोकेशन, एक अननेम्ड वाटरफॉल। बाइक तो करके आना था ना पूरा। तो भाई तामिनी घाट में फिर से एक स्टॉप पे रुके। लास्ट ईयर भी आए थे, लास्ट ईयर पानी नहीं था, लेकिन अभी पानी है। तो जाके देख रहे, बड़ा सा हो गया है, ज़्यादा लोग है नहीं हमें छोड़ के कोई, तो बस जाके देखते। चलो जी, आप अगर तामिनी घाट आते हो तो तामिनी घाट में ऐसे वाटरफॉल्स आपको देखने को मिलेंगे जो ऑब्वियसली मानसून में ही रहते हैं, लेकिन फेमस जगह पे जाओगे बड़ा वाटरफॉल मिलेगा, नॉट सो फेमस पे जाओगे भीड़ कम मिलेगी और अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। और ये दो लोकेशन पे रुकने के बाद ऐसा लगा कि यार क्यों ना आज पूरा ही ऑर्बिट किया जाए। और फिर क्या, हमने डिसाइड कर लिया अभी उन्हीं जगह पे रुका जाएगा जो देख के अच्छी लगेगी और लोग नहीं रहेंगे। भाई कोविड चल रहा है तो थोड़ा प्रिकॉशन तो लेना ही पड़ेगा ना। तो फिर क्या, एक के बाद एक ऐसे ऐसे लोकेशन डिस्कवर की जो मैं शायद ही कभी जा पाता या फिर जाने की सोचता भी नहीं। तो हर साल की तरह इस बार भी
हमने तामिनी घाट के अंदर एक नया जगह ढूंढा अपने लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए। आपको दिख रहा होगा मेरे दोस्त लोग पीछे हैं, उसके बाद में इधर से पानी आता है, तो आई एम जस्ट गोइंग टूवर्ड्स माई फ्रेंड जो वहाँ पे फोटोग्राफी कर रहा है, और वहाँ से देखेंगे कि टोटल लुक कैसे आने वाला है। फिर यहाँ से हम निकले अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ इन खूबसूरत रास्तों का आनंद लेते हुए, और आगे हमें एक अच्छा सा लैंडस्केप दिखा जो देख के काफ़ी सही लग रहा था, तो वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया और निकल गए आगे। अब तक काफी देर हो चुकी थी और भूख भी लग गई थी, फिर हम एक माउंटेन व्यू वाले रेस्टोरेंट में बैठ गए खाना खाने। मैं फटाक से खाना खा लेता हूँ, तब तक आप इन टाइम लैप्स को एंजॉय कीजिए। और फिर खाना खत्म करके हम निकल गए घाट में थोड़ा और आगे। अभी डेस्टिनेशन तो कोई फिक्स नहीं था, लेकिन रास्ते इतने मेसमराइजिंग थे कि हम चलते चले गए और आगे। वॉटरफॉल हर जगह पे मिलेंगे। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे हमने बहुत ही खास चीज विटनेस की जो मोस्टली पहाड़ों में ही खूबसूरत लगती है, बारिश। उतनी ही रे में गिर रही बस। इन नज़ारों को देख के ऐसा लगा भाई उड़ाते अपना ड्रोन और लेते कुछ जबरदस्त शॉट्स, और जैसे ही ड्रोन हवा में गया तब तक बारिश हम तक पहुंच चुकी थी। फिर से वही हड़बड़ी में ड्रोन वापस बुलाना पड़ा, लेकिन जो थोड़ा बहुत ड्रोन ने कैप्चर किया वो कुछ ये था। थोड़ी देर बारिश कम होने का इंतजार करने के बाद हमने सोचा भाई आज के लिए ये बहुत हो गया, निकलते हैं अभी घर वापस। और तब तक तामिनी घाट के नज़ारे पूरे ही बदल चुके थे, दो टाइनी वॉटरफॉल्स, तेज बारिश, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, और भाई हर जगह फॉग ही फॉग, कोहरा ही कोहरा, विजिबिलिटी पूरी ही खत्म हो गई है। आगे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसी चीज का पता नहीं चल रहा है। और कोहरे से डूबी हुई वैलीज, और इन सब के बीच में गर्मा गर्म कांदा भजी और चाय, भाई मजे ही आ गए। अचानक से बारिश शुरू हो गई थी, हम रुक गए थे यहाँ पे। और कैसे लग रहा है, पूरा फॉग फॉग में दिख रहा है, जबरदस्त ना। वाह भाई, यहाँ से निकल के और एक जगह रुके हम जहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, और फाइनली घाट से घर की तरफ का सफर शुरू हो गया। तो अब शायद हम ये बोल सकते हैं कि अपनी डेस्टिनेशन के पहले आती है अपनी जर्नी, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जाकिर भाई बोलते हैं, बादल इम्पोर्टेंट है बाबू। तो बस इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को खत्म। आई होप आपको ये वीडियो हमारा ऑर्बिट राइड पसंद आया होगा। इफ यस देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनके साथ आप यहाँ पे एक वीकेंड ट्रिप प्लान करना चाहोगे। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा क्योंकि ऐसे ही अच्छे वीडियोज मैं लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।